कभी आपने सोचा है कि ये बैलून इन्फ्लेटेड क्यों है? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर मौजूद हवा इसकी वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी ब्लड वेसल्स में। बॉडी में मौजूद जो वेसल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में मौजूद जो वेसल्स हैं, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है और ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करता है और इसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब अगर इंटरनल प्रेशर एक सर्टन लिमिट से कम होगा तो आपने देखा कि बैलून इन्फ्लेटेड नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे वेसल्स में ब्लड का प्रेशर एक सर्टन लिमिट से कम होगा तो वो भी कोलैप्स कर जाएंगे। अब अगर इंटरनल प्रेशर एक सर्टन लिमिट से बढ़ जाए तो बैलून एक्सप्लोड कर जाएगा। इसका मतलब कि अगर हमारे वेसल्स में ब्लड का प्रेशर एक सर्टन लिमिट से बढ़ जाए तो सिमिलर इफेक्ट उन पे भी होगा। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसको हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। अगर मैं इससे अपना ब्लड प्रेशर मेजर करूं मगर ये हमें ब्लड प्रेशर की दो वैल्यूज क्यों बता रहा है? एक्चुअली हार्ट की कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। ब्लड प्रेशर की हाईएस्ट वैल्यू तब आती है जब हार्ट के वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस हाईएस्ट वैल्यू को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एक हेल्दी एडल्ट में इसकी वैल्यू है 120 मिलीमीटर मर्करी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्टेड वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो ब्लड प्रेशर की लोएस्ट वैल्यू आएगी विच इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ब्लड प्रेशर की ये जो वैल्यूज हमने पढ़ी ये बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, बॉडी पोजीशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर 160 से 200 तक हो सकता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप बीमार हैं। हाँ, मगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की सूरत में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।